अस्सलामुअलैकुम। वैसे तो मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई हैं, पर आज टेस्ट ड्राइव करेंगे इस कोस्टर की। ये हमारे भाई हमें जो गाइड करेंगे ना आप। चले सर, चले। हम आ गए हैं कोस्टर के अंदर, तो अंधेरा आ रहा है। ये है हमारे पास एसी, ये है जो ऊपर लगे हुए होते हैं एसी, ये ऑन करने के लिए। ये है फ्रंट एसी ऑन करने के लिए, ये हीटर के हैं, और ये ऐसा गियर लीवर है, इसमें जो है रिवर्स गियर पहले ऊपर लगता है, फिर दूसरा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे साथ। और ये इसका क्या कहेंगे इसको हम, हैंड ब्रेक। बाकी सब कुछ है मैं इसमें, अब हम चला के देखते हैं कैसी लगती है ये। ये हमने स्टार्ट कर दी है कोस्टर। सबसे पहले हम फैन ऑन करेंगे फुल, उसके बाद सीट बेल्ट लगाएंगे। देखिए हमारे फहीम भाई को गर्मी लग गई, एसी ऑन कर लिया उन्होंने। फहीम भाई एसी ऑन कर लिया आपने? जाने दो। जीरो मीटर कोस्टर है तो दूसरी गाड़ियों में इसमें से एक ही फर्क होता है, इसकी लेंथ जो है वो ज्यादा होती है, तो इसी वजह से जब हम कहीं गुलाई लेते हैं या कट काटते हैं तो उसमें हमें मार्जिन ज्यादा रखना पड़ता है, बाकी इसमें दूसरी छोटी गाड़ियों में। बाकी चलने में सेम, ये भी जो है दूसरी गाड़ियों की तरह है, और गियर का बस थोड़ा सा इसका चेंज है। दूसरी गाड़ियों में ऊपर पहला गियर लगा हुआ होता है, इसमें ऊपर सबसे पहला जो है वह रिवर्स है, बाकी ये वैसे ही है। बाकी आप बताएं चलने में कंफर्टेबल है? इसी कंफर्टेबल है कि मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर है वो भी इसी कोस्टर में आते जाते हैं, और आपको तो अंदाजा लगा लें कितनी कंफर्टेबल होगा। और एसी के बारे में बताएं, एसी इसका आपको कैसा लगा? एसी एक तो ये गाड़ी बिल्कुल जीरो मीटर है, और जो जीरो मीटर गाड़ी होती है उसका एसी वैसे बहुत अच्छा होता है, चिल होता है। अच्छा। और ये बहुत ही कम टाइम में इसने पूरी बस को ठंडा कर दिया। और सस्पेंशन के लिहाज से बात करें तो अगर लॉन्ग रूट पर जाया जाए तो सस्पेंशन के बारे में आप क्या कहना चाहें? सस्पेंशन इसके मैं कहूँगा कि जो हमारे पास डबल केबिन गाड़ियाँ होती हैं उससे लाख गुना अच्छे हैं, उसमें हमको जंप लगते रहते हैं, इसमें बंदा कंफर्टेबल जाता है, और उसको ना कोई थकावट फील होती है ना कुछ, और आराम से जाता है, आराम से वापस आता है। मतलब इजी है गोइंग जाना इसमें। मतलब कि अगर 9-10 घंटे की अगर ड्राइव की जाए तो आपको ये थकाती नहीं है, कंफर्टेबल है, इसकी सीट्स कंफर्टेबल है बहुत। सही, वरना सीट्स कंफर्टेबल नहीं होती, पता थक जाता है, कभी ऊपर हो रहा होता है, कभी नीचे हो रहा होता है। और यही इसके डोर की बात की जाए तो इसमें डोर भी ऑटोमेटिक दिया हुआ है। हाँ, इसमें एक बेहतरीन फीचर इन्होंने दिया हुआ है कि जब हम डोर ओपन करते हैं तो इसके एक्सीलेटर के नीचे एक पॉइंट आ जाता है, एक्सीलेटर नहीं दबेगा आपका, मतलब गाड़ी नहीं चलेगी। सही, जब आप डोर बंद करोगे तब आपकी गाड़ी चलेगी। अच्छा, मतलब कि आपको उतरने की जरूरत नहीं है कि दरवाजा खोलने के लिए आप यहीं से डायरेक्ट? हाँ, जैसे हमारे बसों में होते हैं ना, दरवाजा खोले होते नीचे तो जाते हैं, दरवाजा खोला होगा गाड़ी नहीं चलेगी हमारी। तो ये बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर, फीचर का एक ऑप्शन है। बाकी इसके बैक मिरर के, बैक विंड के ऊपर भी जो है ना वो वाइपर दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। इसकी सीट की बात करें तो इसकी इसमें कितनी सीटें मौजूद है, इससे कुछ सीट के बारे में बताएं। मैंने काउंट नहीं की, अभी काउंट करनी पड़ेगी। ये है 29 सीट है, इसमें आप जो है ना फोल्डिंग वाली मिला के? नहीं, फोल्डिंग मिलाकर। हाँ, बगैर फोल्डिंग के। हाँ, बगैर फोल्डिंग के जो है ना वो है तकरीबन 24, फोल्ड वाली मिला नहीं तो आप 29 सीट हो जाए, तकरीबन आप 29 के करीब जो है ना, अगर बात की जाए 30 लोग भी बिठा सकते हैं, आखिरी सीट पे आप 5 लोग भी बिठा सकते हैं, 4 लोग खुले होकर बैठ जाते हैं। अच्छा,
तो सारी बातें छोड़ो, ये बताओ नाश्ते में क्या खिला। अभी हमारे पास फहीम भाई है, फहीम भाई हमें बताएंगे। फहीम भाई आपको कोस्टर कैसी लगी? बहुत ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है। हाँ, किस अंदाज, किस हवाले से कंफर्टेबल है? करीब करीब होकर दिखाए ना, ऐसे दूर से नजर नहीं आता। अच्छा, और क्या कंफर्टेबल है इसके अंदर? इसी को जबरदस्त चिल है। अच्छा, तो गाड़ी लेने चाहिए, सबसे पहले क्या देखना चाहिए इसके अंदर? गाड़ी में सबसे पहले यही देंगे इसका इंटीरियर कैसा है। हाँ, दूसरी चीज ये है कि चलने में कंफर्टेबल है या नहीं है। सही है। और कंफर्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, क्योंकि ये गाड़ी जो है ना, ये ज्यादा लॉन्ग रूट के लिए यूज की जाती है। अच्छा, हाँ, मतलब आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हो, कम्फर्टेबल लेना हो आपको, तो बैठे बैठे थक जाएंगे। हाँ, बताए तो बैठे हुए, ये बात तो है। तो जितने जितनी इसमें सीट है, इसमें अंदर एसी का होना बहुत ज्यादा अच्छा होना जरूरी है। ये थी आज की हमारी कोस्टर की टेस्ट ड्राइव। वाह, यही सही है, क्या मजा आ रहा है।